हम सभी सभी नए परिवार के थे, थोड़े से परिवार आप पहले जन्म में आएंगे ही आएंगे, भले जाके वहां घर पूछा घर बता क्या राजा बनेंगे, वो तो अपना अपना पुरुषार्थ की बात, लेकिन एक परिवार के थे, अभी बिछड़े हुए परिवार मिल रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है, कितना बढ़िया। अच्छा दादी जी बोलने से पहले थोड़ी सी मैं चाहूंगा, कौन बहुत अच्छा अनुभव किए हैं कि बढ़िया शब्द से क्या हुआ है, कोई सुनाना चाहेगा, उठो फटाफट उठो बहनों से, आ जाओ आ जाओ फटाफट, माइक दे दो गोविंद भाई, माइक दे दो, आ जाओ सामने आ जाओ भाइयों में से, भाई में से उठ के अपने आप आओ, अनुभव किस होगा सारे संसार को बांट दो ताकि आपके अनुभव सुन के माता और आ जाओ फटाफट, सबके दिल में है तो तमन्ना है, क्यों नहीं, हाँ उठो उठो। ओम शांति। हमको सबसे अच्छा लगा, एक मिनट माइक चल बने, जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, आ जो होगा वो भी अच्छा। तो कल मैं यहाँ से जब गई तो थके मरे थे, पैदल आए और पैदल गए सोसा गए, फिर सोचे कि सुबह जब हम उठेंगे तो मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग बोलेंगे बाबा को, आदि में बाबा को अपने साथ रखेंगे कि बाबा हमारे साथ चलते रहो, तो हमारे काम का सुबह जब हम उठे तो हम सोचे कि हमको मिस नहीं करना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, तो हम सोचे पहले मुरली सुनने जाएंगे दीदी के यहाँ, अब फिर यहाँ पर हम आएंगे, हम नहा धो के तैयार होकर जो सीता सामने खड़े हो गए तो हमारे काम का वो गायब हो गया था, गिर गया था, तो हम सोचे कि कहाँ गिर गया कल, तो हम सिर्फ भरोसे नहीं रहा कि अब क्या करें, फिर वो बहू से हमने पूछा कि कहीं झाड़ू लगाने में मिला कि नहीं, तो हमने कहा लाओ बाल धोता, तो हमने बाथरूम में देखे तो बाथरूम में नहीं था, तो हमने कहा कि जो हुआ वो अच्छा अच्छा होगा, फिर बेटे बोले कि आप अपने चादर पर देखिए, वहाँ गए तो वहाँ तो नहीं मिला, हमने कहा जो भी हुआ अच्छा होगा, चलने लगे तो जो पेज है पेज लगा हुआ और टेबल पर नहीं मिला, तो हमने कहा कि जो भी हुआ अच्छा होगा, और बाबा मेरे साथ। ये बताइए तो कुंडल न लगता, हाँ कुंडल लगा होगा मेरे टेबल, तो मतलब जब घूम हो जाती है सामान हमारी स्थिति पहले बिगड़ जाती थी लेकिन अभी बिगड़ी नहीं। ओम शांति। तीन दिन से इतना भाई जी ने खुशी दी कि ऐसा लगता है कि अब सालों में खुशी चलेगी सर। सुबह सुबह जब हम उठे 3 बजे तो अमृत बिलक को लेकर चले, रास्ते में कुत्ते भौंकने लगे, हमने कहा बस वहां पर वापस मनाने जा रहे, और ऐसी खुशी होती है सुबह सुबह की कोई मिलता नहीं, मैं भागते चले आ, और जो से बहन भाई आते हैं तो इतनी खुशी होती है, जो अपने लौकिक भाई आते हैं तो कभी खुशी नहीं होती, गुजरात से हो भी कभी नहीं खुशी होती, लेकिन लौकिक भाई आएंगे तो आगे से आगे हम तैयार रहते हैं कि अब भाई हमें कुछ अच्छा रुआ देंगे, और भाई जी के लिए बहुत जोरदार तालियां स्वागत करने की हमेशा आगे आएंगे। ओम शांति। आज भैया ने जो बोला भाई साहब ने कि फरिश्ता स्वरूप बन के सकास देना सबको, तो हमने पहले तो बाबा से मिला बनाया, और दूसरा लोक पर, तीसरा तपोवन पे, और चौथा स्वयं पे, और पांचवा मधुवन पे, छठवा रोग पे लौकी पे, और छठा सातवा सातवां, और आठवां मैंने अपने भाई के लिए बोला, अपने भाई से बोल रहे थे कि आपको यहाँ पे आना है, 3 दिन से उससे कह रहे थे, कह रहे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, हमने सातवें आठवां फरिश्ता अपने भाई ऑफिस में भेजा आ गया।
सभी सुना। ओम शांति। भाई जी ने जैसा कि बताया कि परिश्ता स्वरूप का, तो अभी तक तीन दिन की बड्डी में पूरा भरपूर हुए कि कैसे मतलब कुछ भी होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अभी एक रियली घटना हो गई है अपने इसमें रिलेशन में कि वो लोग हेल्थ पे एडमिट हैं, तो भैया बोलते हैं कि कोई भी अगर बीमार है तो उसको परिश्ता भेज सकते हैं। तीन दिन से मतलब उनको कल जब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली परिश्ता कैसे भेजना है, तो एक परिश्ता वहाँ पर मतलब परमानेंटली छोड़ा गया। इतनी वहाँ पे कंडीशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी कि नहीं कुछ भी लेट हो रहा है। जब से कल से वो हुआ है तो आज सुबह जब भाई गया वहाँ पे खाना लेके, मैंने पूछा तो कहते वो सब कुछ खा रहे, नली नली सब निकल गई, उनकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी हो गई। ब्लड जो ब्लड लगी उनके आर पार हो गई पूरी, और यहाँ से जो वो होती है जो नस वो कट गई, मतलब ब्लड लॉस काफ़ी हो रहा है तो वो भी कंट्रोल में हो गया है, मतलब काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। और यही बस कहेंगे कि भाई जैसे परिश्ता छोड़ा है हमने तो इसको चाहने के लिए बाबा से करंट तो देनी पड़ेगा, जैसे हम खाते हैं नहीं नहीं ये पावर हाउस है, लाइफ जनरल कोई पावर हाउस है, पावर हाउस है, आप पावर हाउस हो, आपके संकल्प से रचा हुआ काम कर रहा है, कोई चीज तो वहां पे पहुंचानी होगी तब तो चार्ज करेगा, हमको खाना है बाबा से करंट ले, वो आपके संकल्प काम कर रहा है ये जी, बाबा वहां संकल्प से कैसे सका देगा, आप ना हो सका देंगे। ओम शांति, ओम शांति। अभी मैं आपको बताना चाहती हूं से ये फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें ये अनुभूति हुई, पहले जब योग करते थे तो थोड़े समय के लिए अवस्था बनती थी और फिर जो है डिस्टर्ब हो जाती थी, लेकिन इससे जो पूर्व तैयारी करवाई गई कि कैसे हर एक्शन का रिएक्शन होता है और मन जो इधर उधर बिजी हो जाता है तो मन एकाग्र होके उस स्वरूप में स्थित होके वो फरिश्ते को कैसे क्रिएट करके कहाँ कहाँ स्थित होके शक्तियाँ भेजनी है वो एक प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। तो वो जो स्थिति एकाग्रता की बनी तो वो जो वाइब्रेशन दिमाग में भरे उससे अवस्था बहुत अच्छी बनी है और आगे भी इसे कंटिन्यू रखते हैं। तो दादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ दीप्ति बहन के लिए। ओम शांति, ओम शांति। अभी तीन दिन की भक्ति से हम सभी को बहुत लाभ मिला, जो मुझे मिला कि जैसे बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी होती है जो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे भाजपा ने कहा एक्शन पर रिएक्शन होता है, तो जैसे हम लोग ऐसे हाथ रहे थोड़ा सा नेचर में था तो उस पर मेरा बहुत ही अटेंशन गया, जैसे ही हाथ ऐसे गया तुरंत याद आ गया, तुरंत नीचे हो गया, तो ये सब चीज़ों पर अटेंशन अब ज़्यादा फोकस जाने लगा, अभी तक नहीं गया क्योंकि उस पर हमने कभी अटेंशन नहीं दिया, लेकिन भाई जी की तीन दिन की भक्ति से ये लाभ हुआ। ओके शांति। वैसे भाई साहब की बैठी दो बार पहले भी अटेंड कर चुके हैं, इससे कि फरिश्ता बनाने का उस समय से ही अभ्यास है और भाई साहब ने जैसे फरिश्ता बनाने का बताया हुआ है तो उससे हमें जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं, असंभव कार्य भी संभव हुए हैं। तो और योग के समय जब योग में बैठते हैं तो फरिश्ता बन के उड़ने में भी बड़ा आनंद आता है, बड़ा ही हल्का महसूस होता है, तो जैसे कभी योग नहीं लगता है तो फरिश्ते बन के अनुभूति करते हैं तो योग लगाना बहुत ही सहज होता है। तो इसलिए मैं और पहले से कई साल हो चुके हैं बट्टी अटेंड किए हुए तो काफ़ी स्थिति अब कमजोर हो गई थी तो फिर से एनर्जी मिल गई है तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से वो एनर्जी मिल गई है, आगे भी भाई साहब का चांस मिला तो फिर भट्टी करने का मौका मिलेगा। ऑप्शन